आइए देखिए सत्य से भरपूर आज मीडिया ग्रुप से मैं हनी अग्रवाल लाए हूँ आपके लिए आज के समाचार। जनपद मुरादाबाद के कचहरी परिसर में रविवार को अधिवक्ता के चैम्बर पर चोरों ने धावा बोल दिया। आपको बता दें कि रविवार की रात को चैम्बर नंबर 63B मुमताज हुसैन एडवोकेट के चैम्बर पर रात में चोरों ने बड़े ही आसानी से चोरी का अंजाम दिया। मुमताज हुसैन जब सोमवार को अपना चैम्बर खोलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके चैम्बर के ताले टूटे हुए हैं और चैम्बर से इन्वर्टर, नकदी समेत कुछ ज़रूरी दस्तावेज गायब हैं। अधिवक्ता मुमताज हुसैन का कहना है कि इससे पहले भी चोर कई बार अधिवक्ताओं के चैम्बर पर भी चोरी का अंजाम दे चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं करा गया है, जिसके चलते आए दिन चोर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपको? मेरा नाम मुमताज हुसैन एडवोकेट। सर क्या मामला है? हमारे चैम्बर्स में छुट्टियाँ चल रही थी दिवाली की, आवाज आके जूनियर ने और मुंशी ने खोला तो इन्वर्टर वगैरह चोरी हो गया। इन्वर्टर है, बैटरा है और बाकी अब देखेंगे हम, लाइट आई है भी कह के चोरी। क्या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी है? वो डॉक्यूमेंट देखेंगे भी तब पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी फाइलें हैं केस भर की। दराज में काफ़ी सामान, दराज में काफ़ी सारा सामान था, स्टाम्प पेपर वगैरह सब देख के पता चलेगा। कुछ कैश वैश भी है? वो हाँ कुछ कैश भी रखा था, छोड़े जाते हैं स्टाम्प वगैरह का होता है, जैसे रजिस्ट्री की कुछ फीस वगैरह होती है छोड़ देते हैं। इसके लिए आपको कोई किसी को सूचना दी, किसी को बताया कुछ? सूचना बार में सेक्रेटरी साहब को सूचना दी है और थाने में, थाना सिविल लाइन्स में इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स को सूचना देकर आए, तहरीर देकर आए मुकदमे के लिए। सर अगर ऐसी लगातार चोरी होती रहती है तो आप बार एसोसिएशन से क्यों नहीं कहते कि सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करा जाए जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो? कहा जाता है अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने जो मंदिर है वहाँ पर भी चोरी हुई थी, चोर उसमें पकड़े गए थे, लेकिन कलेक्ट्रेट के जो गार्ड हैं वो कलेक्ट्रेट तक रहते हैं, कचहरी कैंपस में कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, ना बार की तरफ से ना किसी प्रशासन की तरफ। तो बाहर में आपने इससे पहले भी कोई किसी ने शिकायत करी है ऐसी? कई बार घटनाएं हुई हैं चोरी की, इससे पहले नीरज जी के यहाँ चोरी हुई थी, उन्होंने भी कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज मीडिया ग्रुप के लिए धन्यवाद। घटना की जानकारी सिविल लाइन थाने में दे दी गई है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और चोरों की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं दी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री राकेश वशिष्ठ का कहना है कि कचहरी परिसर में चोरी होना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इससे पहले भी कई बार चोरी की घटना हो चुकी है, जिसके चलते दी बार एसोसिएशन का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द प्रशासन उन्हें कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराए जिससे ऐसी घटनाएं आगे ना हो सके। सर जो कल एडवोकेट मुमताज साहब के चोरी हुई उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कचहरी में चोरी होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और चूंकि पहले भी एक दो घटनाएं ऐसी घटी हैं तब भी हम लोगों ने प्रयास किया था और जो हमारे पूर्व अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया था कि ये ना हो, लेकिन ये फिर दोबारा हुई है तो इसके लिए थाना सिविल लाइन से संपर्क किया गया है और एसपी सिटी साहब से भी इसमें यथाशीघ्र संपर्क किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए रात को वो चाहे यहाँ पे अपने लैपटॉप के या सिपाही जो भी अपनी व्यवस्था करना चाहें या व्यवस्था करें, रात में सिपाहियों को यहाँ पे कचहरी में दौरा होता रहे जिससे इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घटित हों। सर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी गायब हुए हैं या फिर किसी के ऊपर शक है जो कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है? देखिए शक तो ऐसे किसी भी किया जाना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कोई आसपास के लोग ही होंगे, कोई अनजान आदमी, मैं समझता हूँ मेरा व्यक्तिगत राय है कि अनजान आदमी नहीं हो सकता, तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग भी करेंगे, पुलिस आके देखे जांच करे और जिस प्रकार का पुलिस को सहयोग चाहिए वो हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन निवेदन इतना ही उनसे रहेगा कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना घटित हो। क्या इस चीज की थाना सिविल लाइन्स में FIR लिख ली गई है? हाँ तहरीर तो दे दी गई है, मैं अभी पता करवाऊंगा कि उसमें वो दर्ज हो गई है नहीं, लेकिन तहरीर वहाँ दे दी गई है। आज मीडिया ग्रुप से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी और छोटी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।